खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएमएस कैंपस में विश्व स्तरीय रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन किया गया। सीएमएस ने विश्व स्तरीय रोबोटिक्स लैब का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने फीता काट कर लैब का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम में सीएमएस संस्थापक जगदीश गांधी भी मौजूद रहे। सीएमएस ने विश्व स्तरीय रोबोटिक्स लैब का निर्माण कर छात्रों को हैंड्स ऑन रोबोटिक्स, एडवांस टेक साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने का अवसर प्रदान किया है। मैं उनको बहुत बहुत तारीफ करता हूँ। हमारे राजीव साहब तो इनोवेटर है, इनको तो मैं आज से नहीं बल्कि जिस जमाने में लखनऊ का सीडी हुआ करता था 1990 तब से मैंने जान पाऊँ। इनफैक्ट जब इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, आपको तो याद ही होगा, उस नींव रखने के लिए भी मैं यहाँ पे था। यहाँ पे जब पूजा हुआ था उस पूजा में भी मैं शरीक हुआ था इस विद्यालय में, तो मैं तब से इनको जानता हूँ। और ये तमाम सारे ऐसे ऐसे अभूतपूर्व कार्य करते रहते हैं, जगदीश गांधी जी, भारती गांधी जी, इस प्रकार के जो काम करते रहते हैं। शाखा में पहले बार एक वर्ल्ड क्लास का रोबोटिक्स लैब बनाया जा रहा है और रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब ऐसी IoT, ये सब ऐसी जो नई चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में हमारे जीवन की जरूरतें होने वाली हैं। और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसके लिए एक्सपोज करना, पहले से उनके माइंड को उसके लिए तैयार करना कि जिससे वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी सोच सके कि वो कैसे बन सकता है, क्या कर सकता है। तो हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, ये दोनों को, दोनों की दोनों बातें यहाँ पे इस लैब में बनाना है।